नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो पिछले कई वर्षों से जूनियर अकाउंटेंट टीआरए की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो है। दोस्तों आपको पता है दोस्तों अभी पिछले कुछ महीनों पहले कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति में लिखा था, अपने कैलेंडर में जारी किया था कि सितंबर में जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम होना था। तो एग्जाम सितंबर में होने वाला था लेकिन दोस्तों बीच में ही एक नया कॉन्सेप्ट बीच में आ जाता है, सैट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों आ जाता है और उसके चलते दोस्तों इस एग्जाम्स को दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा आगे की ओर ले जाते हैं और बच्चों से कहा जाता है कि पहले आप सैट का पेपर दो और उसके बाद आप मतलब एलिजिबल हो, उसके बाद आप जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति में आप शामिल हो सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो चीज सरकार कर रही है ये दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों गलत है। कहीं ना कहीं गलत कैसे दोस्तों बता देता हूँ आपको। पहले दोस्तों बता देता हूँ कि इसको लेकर गलती क्या है। गलती है कि मित्रों जो वैकेंसी आने वाली थी वो वैकेंसी अब एक साल के लिए डीले होगी क्योंकि पहले सेट होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आगे मतलब साल डेढ़ साल तक आगे चली जाएगी। तो सरकार का कहीं ना कहीं मकसद है कि इस वैकेंसी को आगे ले जाना, कहीं ना कहीं बच्चों को टालना, ये मकसद है। तो दोस्तों सभी बच्चे मेरे से अनुरोध करेंगे सर आप हमारे लिए कुछ करो, तो मैं दोस्तों यही अनुरोध करूंगा कि कल 14 जून को दोस्तों शहीद स्मारक जयपुर पर दोस्तों एक धरना स्थल है दोस्तों, वहां पर बहुत सारे बच्चे एकत्रित हो रहे हैं। तो आप सभी लोग दोस्तों जितने भी मेरे कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, मेरे कॉमर्स के सारे विद्यार्थी, आप वहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम विद्यार्थी पहुंचकर आप एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। दोस्तों सारे लोग मिलकर काम करोगे तो आपकी बात सरकार जरूर सुनेगी। अगर आप में से आधे लोग हाँ, आधे लोग ना, आधे पॉजिटिव, आधे नेगेटिव, आधे पक्ष में, आधे विपक्ष में, ऐसा कुछ भी करोगे ना तो सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी और ये एग्जाम कहीं ना कहीं डेढ़ साल आगे चला जाएगा। उसके लिए दोस्तों आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, पहले अपने आप को दोषी ठहरा सकते क्यों, क्योंकि आपने अपने हक की मांग नहीं की। ओके, तो मैं सबसे ये अनुरोध करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग जयपुर आइए और जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दीजिए। दोस्तों कई बार कहते हैं इस तरह के स्टेटमेंट देने के बाद दोस्तों सरकार हमारे चैनल्स के ऊपर कई तरह की मतलब रेस्टिकेशन लगाना, कई तरह की कार्रवाई करना, तो उनसे मैं तो डरता हूँ नहीं दोस्तों, ना पहले डरा ना आज डरूंगा दोस्तों किसी से को लेकर, क्योंकि हमारा मकसद दोस्तों हमेशा से विद्यार्थियों के लिए रहा दोस्तों। मैं इतने दिन दोस्तों इस चीज से दूर था क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ाई में व्यस्त रहता हूँ, पढ़ाने में व्यस्त रहता हूँ, बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ, पूरे दिन क्लास रहती है, मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं, मेरे पास कोई टेक्निकल इतना सपोर्ट है नहीं दोस्तों। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप मैक्सिमम विद्यार्थी जयपुर जाकर सेलेक्ट मतलब शहीद स्मारक में बच्चों का सपोर्ट करें और बच्चों का सपोर्ट करते हो दोस्तों आप सभी लोग एकजुट होकर काम करें, सब लोग एक होंगे तो दोस्तों आपकी बात सुनी जाएगी। अच्छा एक बात, मैं आप लोगों के साथ दोस्तों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हूं, जिसका प्रमाण दोस्तों आपको मैं कल बता दूंगा। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूं, अगर मेरी जरूरत पड़ी आपको तो आप मेरे को मैसेज या कॉल कर देना, मैं आपके आधे घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरी क्लास रहेगी लेकिन आपको कम से कम एक घंटे आधे घंटे पहले आपको मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर आपकी रिक्वायरमेंट आपको आना है, तो मैं आने के लिए तैयार हूं दोस्तों। मेरे को कोई टेंशन नहीं इस बात की क्योंकि दोस्तों अपना ना कोई संस्थान है, अपने को एक इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बच्चों को शिक्षित करते, यही हमारा टारगेट रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों सब लोगों से अनुरोध है कि कॉमर्स की ताकत दिखा दीजिए। अच्छा दोस्तों मैं खुद एक कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ और सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ दोस्तों, एडवोकेट हूँ, तो आप अपनी ताकत दोस्तों दिखा दीजिए बच्चों, ये ताकत दोस्तों सरकार को दिखा दीजिए कि हम सब साथ हैं और हम अपनी बात मनवा के रहेंगे और सेट को बाहर करवा के रहेंगे, ये दोस्तों दिखा दीजिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर अपन बात नहीं मानते तो अपनी जगह सही हो जाती है कि यार मुकेश सर आए थे सपोर्ट में, क्या किया, बाहर तो किया नहीं, हुआ नहीं, तो हो सकता है दोस्तों ऐसा अपने को देखना पड़ जाए, लेकिन माता रानी की दुआ से ऐसा नहीं देखना पड़ेगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा और अगर सब कुछ अपनी बात प्रॉपर रख पाते और मेरे जितने भी साथी बंधु है जो कॉमर्स का सपोर्ट करते हैं, कॉमर्स बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष वगैरह जो भी है दोस्तों, उन सबकी सपोर्ट से दोस्तों हम इस आंदोलन को आगे रखेंगे और मैं आप लोगों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हूँ। दोस्तों सभी को दोस्तों जय माता दी, सभी को जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल मैक्सिमम आइए और भीड़ इकट्ठी करके दोस्तों सरकार को ताकत दिखाई, भीड़ का अपना दंगा नहीं करना दोस्तों, वहां पर तरीके से बात रखनी है, उनको इतना पूछना है कि भाई साहब हमारी वैकेंसी कब आएगी, इस सेट का बीच में लोचा क्या है, ठीक है वैकेंसी निकाल दीजिए, हम तैयार है दोस्तों, हम एग्जाम देने के तैयार है, जल्दी से हमारी पोस्टिंग कीजिए क्योंकि दोस्तों 2018 से वैकेंसी आने वाली थी, 2023 आने वाला है, तो 5 साल तक दोस्तों वेट करना, एक कहते ना कि गरीब वर्ग का व्यक्ति वेट करे तो वे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। ओके आई होप दोस्तों मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना चाहे, बात आपको समझ में आ गई तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, किसी भी प्रकार का नेगेटिव कमेंट मत करना दोस्तों, इससे बात करके आशा करता हूँ कि सब लोग पॉजिटिव रहेंगे और सब लोग इस ग्रुप में शेयर करेंगे इसको। ओके धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।